बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेक्टो मैन। हमारे पास पीसी है आज जनाब 79HP का 7900। इसमें मसला ये आ रहा है कि ऑन नहीं हो रहा, नो कनेक्टिंग है, उसी टाइम ऑफ हो जा रहा है। ये बोर्ड में मसला भी आता है और ये पावर सप्लाई का भी आता है मसला। बाज़ औक़ात बोर्ड में होता है, बाज़ औक़ात पावर सप्लाई का मसला आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पावर सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद अगर बोर्ड में मसला होगा तो बोर्ड का मसला इशू होगा, जो भी उसको रिजोल्व करेंगे। लेकिन अब हम दोनों को निकालते हैं, बोर्ड को और सप्लाई को, फिर देखते हैं किस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रोमैन PNL को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी हम इसको खोलने लगे हैं, पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। सप्लाई खोल रहे हैं, हम देखते हैं इसमें क्या इशू है। सप्लाई खोलने के बाद इसमें मसला ये है कि ये जो है, जैसे ही पावर ऑन करते हैं बोर्ड का, तो ये लोड नहीं उठाती, यकदम से ट्रिप हो जाती है, यानी कि पूरे तरीके से बोर्ड को ऑन नहीं करती। बाज़ औक़ात हो जाता है लेकिन अमूमन बोर्ड ऑन नहीं होता। इसके मुख्तलिफ ये कैपेसिटर हैं, ये लीकी हो चुके हैं, ये फूल चुके हैं मेन 12 वोल्ट के, 3.3 पे भी, और 12 वोल्ट पे ये एक है, ये 3.3 पे दो लगे हुए। इनको हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद की कंडीशन हम आपको आपके सामने होगी इंशाल्लाह। देखते हैं इनको रिप्लेस करते हैं। कैपेसिटर वगैरह इसके हमने चेंज किए हैं, ये कंडीशन हो चुकी थी इसके कैपेसिटर्स की, जो ये देखो इसमें 3 कैपेसिटर्स के 4 कैपेसिटर चेंज किए हैं, और अभी अपने सप्लाई इसमें बोर्ड के साथ अटैच कर दिए। अभी हम इसको करते हैं ट्राई, पावर लगाते हैं, और ये हमारा बोर्ड देखें ऑन हो चुका है। 7900 का बोर्ड है ये। ऐसा लग रहा था फॉल्ट इस कंडीशन का था कि जैसे कोई मदरबोर्ड में मसला हो, लेकिन मदरबोर्ड का कोई भी इशू नहीं था इसमें। ये देखें, ये डिस्प्ले आ चुका है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। हमारे चैनल इलेक्ट्रोमैन PNL को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।